नमस्कार साथियों साथियों, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से, ध्यान पूर्वक और बिल्कुल धीमे धीमे आपको इस MPPSC एग्जाम में जो आपको कंफ्यूजन होता है उसके बारे में बताएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो ये लिखा हुआ है, जो भी SP एकेडमी, और टू क्लियर योर कंफ्यूजन, आपका कंफ्यूजन कैसे क्लियर किया जाए, कॉन्टेक्ट देख रहे हैं आप 777-308-9904 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड इंट्रक्शन लिखे हुए हैं, इंट्रक्शन तो हम ही पढ़ेंगे भी ना। उसके पहले मैंने एक मन से मैं आपको बता है कि हमने बताया था कि एक बहुत बड़ा मोटिवेटर भी हूँ, इतना बड़ा वाला भी नहीं, मीडियम, और कुछ साइजिया तो क्या काफी साइजिया से बुके भरी हुई है ना, काफिया भरी हुई है बहुत पुरानी। तो इसी 10 मिनट मैंने सोच कर एक शायरी बनाई, अगर अच्छी लगी हो, मोटिवेशन शायरी है, पढ़ाई के ऊपर है उसका मैं आपको, मतलब कि उससे आपको आगाह करवाऊंगा कि आखिर आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। तो शायरी जो है, ध्यान से सुनना साथी, बहुत अच्छी लगी। गलियों से हम गुजरा नहीं करते हैं, गलियों से हम गुजरा नहीं करते हैं, पहाड़ों पर चलना हमारा शौक है। गलियों से हम गुजरा नहीं करते हैं, पहाड़ों पर चलना हमारा शौक है। दर बदर ठुकराते फिरते हैं इन गलियों से, दर बदर ठुकराते फिरते हैं इन गलियों से, हौसले बुलंद रखोगे तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी, है ना। अभी ही बनाइए शायरी, और क्लास में कोई भी नहीं है, पूरे ऑफिस में अकेला हूँ, कोई स्टूडेंट नहीं है। ये वीडियो स्टूडेंट के सामने हम मैं बाद में समझाऊंगा, और पहले ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए समझा रहा हूँ, ठीक, ऑफलाइन के लिए बाद में। तो साथियों समझ गए होंगे कि गलियों से हम गुजरा नहीं करते, मतलब कि छोटी मोटी एग्जाम पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर अध्ययन देखो, अध्ययन करेंगे यार, इतना सारा टॉपिक पढ़ेंगे तो यार एग्जाम तो हाई लेवल, थोड़ा लेवल कभी कम कभी ज्यादा, किसी किसी एग्जाम का रहता है ना, किसी का कम किसी का हाई, है ना। इसलिए तो गलियों से हम गुजरा नहीं करते, मतलब कि छोटी मोटी एग्जाम्स में फोकस नहीं करना चाहिए। पहाड़ों पर चलना हमारा शौक है, मतलब बड़ी बड़ी एग्जाम से टकराओ, पहाड़ पर चढ़ो, है ना, MPPSC UPSC, है ना, इस तरह की एग्जाम्स। दर बदर ठुकराते फिरते हैं, मतलब कि कांस्टेबल दिया नहीं निकला, ऐसे ही दिया, बैंक दिया, वो दिया, ये दिया, फलाना वो, इस तरह से। और हौसले बुलंद रखो, बुलंद रखो क्या, जिंदगी एंड थोड़ी हो गई आप लोगों की, या फिर ना मेरी, और देंगे और आगे बढ़ेंगे, हम साथ हैं आपके। माना कि हमने कुछ दिनों से आपको प्रिपरेशन तो करवाई है, टेस्ट भी सही से नहीं ले पा रहे हैं, मेरी मजबूरी है, पर आप पहले याद तो करो, टेस्ट कौन दे रहा, बहुत कम स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, तो फिर मन नहीं होता टेस्ट बनाने का, है ना, ये हमारा ओरिजिनल बात बता दी आपको, इसलिए टेस्ट नहीं बनवाता, इसलिए टेस्ट नहीं बना रहा था कि बच्चे कम टेस्ट देते हैं तो मुझे फिर मेरा माइंड हेट होता है। पर ऐसा नहीं कि मैं एक स्टूडेंट के पीछे सबका नुकसान करूंगा, मैं टेस्ट दे रहा हूँ, आज भी तो टेस्ट है आप लोगों, ठीक साथियों। मैं आपको इसमें बताऊंगा ये सब, उसके बाद में बुक्स भी रखी हुई है, उसमें से क्वेश्चन भी बताऊंगा, आधे घंटे का वीडियो बन सकता, ध्यान से देखें। मुझे थोड़ी थोड़ी देर में कैमरा चेक करना पड़ता है, कैमरा पता नहीं क्या हो गया, मैंने स्टोरेज पूरी कम कर दी, 15 GB उसको खाली कर दिया है, और पूरा स्पेस कर दिया है, 15 फिर भी कभी कभी बंद हो जाता है ना, इसलिए तो आप समझ जाना कि अगर मैं जाता हूं उधर तो कैमरा दिख नहीं जाता हूं ना। चल रहा है साथियों कैमरा, तो अब एक काम करते हैं कि जो हाउ टू क्लियर योर कंफ्यूजन आपका SP एकेडमी कॉन्टेक्ट है, सबसे पहले इंट्रक्शन पढ़ना ध्यान से, कि सबसे पहले अगर MPPSC एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं ना, तो पहले प्रश्न पत्र जो रहता है उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, और 10 मिनट का टाइम दे कम से कम, अगर 2 घंटे का समय मिलता है 10 मिनट पूरे प्रश्न पत्र शुरू से लगा के, तो आखिर तक पढ़ना, आपको शुरू से लगा के आखिर तक, फिर पहली बार जो उत्तर सही लगे, जिससे पहले आपको कोई क्वेश्चन है कि यार अब MP का गठन कब हुआ था, आपको लग रहा है कि 1 नवंबर तो है, सब नहीं पता मुझे, सब नहीं पता, तो आप ना देखो कि यार 1 नवंबर तो है, तो 1 नवंबर इसमें भी आ रहा, इन दोनों में आ रहा, मतलब इस दोनों में से अंतर है इसका। अब इसमें से आपको करना है कि 58 है या 56 है, 58 है या फिर 56 है, ये देखना है, ये दोनों तो ये काटे ना, एक काटा, ये दो काटे, दोनों काटो, हटा दो इसको, हटा दो ये, इसको हटा दो, इन दोनों पे ध्यान दो, एक फाइनल, किसी कोई सा फाइनल लग रहा हो कर दो, ठीक। तो इस तरह से जो सही उत्तर लगे इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, सही लगे और उसे टिक करें, लग रहा है एक बार में लग रहा है यही है,
तो यार ही नहीं यार ये होगा यार ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं करना अपने, है ना। एक लगे एक बार सिलेक्ट, एक बार लगाना है तो लगा के आगे बढ़ो, ठीक। जो प्रश्न कंफ्यूज करे उसे अंत में करे, जैसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है आपको इसे लगा दो, या फिर क्वेश्चन नंबर लिख लो प्रश्न पत्र के पीछे, रफ वर्क के लिए मिलता ना पेज पेपर में, तो उसमें लिख लो कि ये क्वेश्चन छोटा और क्या, बस आखिरी में करो, आखिरी के दिन, आखिरी के टाइम में, क्योंकि अगर इसके चक्कर में लगा लोगे ना तो आखिर जो अगले क्वेश्चन है जो आप आते हैं वो छूट जाएंगे आप लोगों के, सबसे बड़ी बात। अब पढ़ाइए प्रश्न आपको किस तरह से परीक्षा में कंफ्यूज करते हैं, किसे करते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। कुछ टॉपिक याद थे वो लिख दी, जो नहीं याद है बुक से बताऊंगा, जो याद नहीं आ रहे थे कि यार कहां से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो साथियों अब पहला पॉइंट जो है वर्ष वाले प्रश्न, मतलब कि सन वाले, ईयर वाले, ईयर सन वाले बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को ये वाले, तो यह तो आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा कि हाँ ये तो ये। पर इसके इसके अंतर्गत एक और आपको हेल्प मिल सकती है, किसे पता, जिसे कि यार एक बात बताऊं, एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी ने बोल दिया कि उज्जैन जिले का मुख्यमंत्री कौन है, हाँ ना, उज्जैन जिले का मुख्यमंत्री कौन है, मुझे बेवकूफ बनाया था, मुझसे बनाया था, मेरे कोई फ्रेंड था दिल्ली का उसने बनाया था, यार पुनीत जी उज्जैन जिला मुख्यमंत्री कौन है, वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था मैंने, यार भाई यार मुख्यमंत्री तो यार राज्य का रहता है यार, जिले का थोड़ी रहता है, अरे वाह यार इसने भी बोला। तो इस तरह से आपको लग रहा है कि वर्ष वाले जो प्रश्न है कि 1956 है, इसके पहले नहीं हो सकता, इसके गठन इसके पहले पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद से देखो जैसे एमपी का गठन हुआ था तो 1956 है, ये तो 56 है, तो पता है कि 50 के बाद और 60 के पहले हुआ है, 50 के बाद या 60 के बीच में हुआ, तो यदि आपको 56 लग रहा है, 58 लग रहा है दोनों, और या 62 लिखा हुआ या 68 लिखा है, तो मतलब ही नहीं है, इन दोनों को हटा के इन दोनों पे जाओ, क्या बोलूंगा, प्रॉब्लम है कोई नहीं ना। फिर क्या होता है साथियों कि जो सेकेंड वाला ऑप्शन है तारीख वाले प्रश्न, तारीख वाले किसे पता, दिवस कब बनाते हैं, तो यह भी ऐसे 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 अक्टूबर 1 सितंबर है ना, तो ये तारीख वाले भी आपको तो याद करना पड़ेंगे ना, इसका कोई पॉसिबल मतलब सोल्यूशन नहीं है कि इसको कोई टिक के द्वारा या फिर याद कर पाए। लेखक संबंधी प्रश्न भी आपको डाउट करते हैं, राइटर्स बुक्स रहती है ना, एक बुक्स किसकी है, जीवनी किसकी है, आत्मकथा किसकी है, निबंध किसका है, कविता किसकी है ना, तो लेखक संबंधी प्रश्न भी आपको डाउट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ऐसा होता है कि कभी कोई सी बुक्स के कोई राइटर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते टाइम पे खुद लिख लो एक कॉपी में, चाहे मैं नोट्स दू चाहे आप किताब में से लिखो, एक बार लिख लोगे ना तो माइंड में फिक्स हो जाएगा कि यार मैंने मेरे हाथ से लिखा हुआ था, वहां पर मैंने मेरे हाथ से लिखा हुआ था, यही होगा इसका आंसर। और एक ही बार में आ जाए ना लेखक वाले का क्वेश्चन एक ही बार में, तो ये कंडीशन जो लगे उसको टिक करे सेकंड वाली, ठीक साथियों। साथियों मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा इधर उधर गया हुआ था तो मैं बॉटल ऑफिस से पड़ी हुई है, बॉटल लाना भूल गया, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, 2-10 सेकंड में आया। तो साथियों जैसे कि अभी हम बता दे रहा मैंने आपको लेखक वाला, अब खेल और पुरुष का होता क्या है कि जो खेल है ना ये, इस खेल के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगी आप लोगों को, जो कि मैंने आपको नोट्स में दे रखी है खेल कूद के बारे में, स्पोर्ट्स सेक्शन की खेल से संबंध किसका है, कौन सा खिलाड़ी है, कहाँ है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये टॉपिक लिखे ना 8 से 9 नो टॉपिक से, नो की नो टॉपिक से कि क्वेश्चन आएगा, मतलब नो क्वेश्चन आप लोगों के डन समझ लो आप एमपीपीसी एग्जाम में, नो ही क्वेश्चन से ज्यादा, नो से ज्यादा आएंगे,
बल्कि 12-13 क्वेश्चन पूछ सकता है, इनसिट नोट ऑफ देखना। तो तारीख वाले प्रश्न लेखक संबंधी खेल पुरस्कार, तो खेल का तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगी है ना, कौन सा खिलाड़ी का संबंध है। पुरस्कार की स्थापना पूछी जाती है, पुरस्कार का क्षेत्र पूछा जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित रखता है पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, बहुत से पुरस्कार होते हैं ना, कौन सा पुरस्कार किस राज्य का है ये भी आपको करना पड़ेगा। तो जो पुरस्कार की स्थापना भी पढ़नी पड़ेगी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उस हिसाब से इसका एक ट्रिक होता है कि जैसे राजीव गांधी है, अब मुझे इसका जन्म वर्ष पता नहीं, फिर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 1930 अभी 1890 तो पता है कि राजीव गांधी का जन्म 1890 में हुआ था है ना, मैं आपको बता दें, मुझे कंफर्म नहीं पता कब हुआ था, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माना कि 1890 को हुआ था, तो राजीव गांधी पुरस्कार की स्थापना जो है उसके बाद ही होगी, और कब होगी, कम से कम वो 30-40 साल का हो जाए, 30-35 साल का राजनीति में आ जाए, उसके बाद में कुछ बन जाए महान व्यक्ति, तो उसके बाद में, उसके पहले थोड़ी हो सकती। तो इस तरह से आपको एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में हेल्प करता है, अगर आप उनकी डिटेल पढ़ लोगे ना, तो आपको एक, आपके सामने कुछ भी नहीं है, पुरस्कार यूं निकालोगे आप, हमने पढ़ रखी है, हमें कुछ नहीं लगता है, कुछ भी हमारे सामने सीमा रेखा क्षेत्रफल दिशा विविध प्रश्न वर्ष काटे कुछ भी लगते, यूं करके जाते कुछ, एक मिनट लगता है हमें, 10 मिनट में 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व, आगे बढ़ता था। मैंने पिछला एमपीपीएससी का जो एग्जाम था 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट करके बैठ गया था, 50 मिनट तक रिविजन करता था और आसपास के बच्चों को देख रहा था, टीचर ने डांटा क्या कर रहे हो, मैंने सो गया, नहा हो गया एग्जाम, बस बैठो आप बताओ है ना। तो आप ये हो गया क्षेत्रफल संबंधित, जितने भी एरिया है, एरिया रहते हैं उनका क्षेत्रफल कितना क्या है, राज्य का क्षेत्रफल अपडेट हुआ है, बढ़ गया है, घटता तो नहीं, बढ़ता ही है, और अगर विभाजन हो जाता है किसी राज्य का तो बढ़ जाता है, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो अलग हुआ तो उसका क्षेत्रफल कम हो गया, वो अलग हो गया, तो इस तरह से विभाजन के पश्चात, विभाजन के पहले क्षेत्रफल, विभाजन के पश्चात वर्तमान क्षेत्रफल, वो आपको करना पड़ेगा, और सब दे रखा है नोट्स में साथियों। उसके बाद देखा जाता है सीमा रेखा संबंधित प्रश्न, सीमा रेखा है भी आपको पढ़नी पड़ेगी, कौन सी देश की सीमा कहाँ है, किससे लग रही, कौन से क्या सीमा का नाम क्या है, कहाँ किस जिले के नजदीक से निकल रही है, किस कौन से राज्य के, जैसे कि पाकिस्तान से सीमा लग रही है या फिर अफगानिस्तान से लग रही है, तो अब भारत देश का कौन सा राज्य के द्वारा लग रही है और किस राज्य के कौन से जिले के द्वारा लग रही है, ये भी देखना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा, डीप में डिटेल में है ना। दिशा पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम, इस तरह से उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर दक्षिण, इस तरह से पूरा दिशा के अध्ययन करना पड़ेगा। मैप भी है, मैप हो तो लगा लो, नहीं हो तो ले आओ है ना, लेके आ जाओ, मैप मैप लगा रखे, मैं मैप से सीढ़ी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। अब आते हैं विविध प्रश्न, विविध प्रश्न क्या होता है, तो विविध प्रश्न ऐसा होता है, विविध के अंतर्गत कम से कम 12-13 क्वेश्चन आते हैं, विविध स्थान, पर्यटन स्थल, पुस्तकें, तारीख वगैरह सब इसी के अंतर्गत आती है, मिसनेरियस बोलते हैं इसका ना इंग्लिश में, तो वो सब इसके अंतर्गत आती है। और उसके बाद में ऐसा कोई कोई स्थान ऐसे रहते हैं, कभी हमने पढ़ा भी नहीं होगा, अरे यार ये स्थान हमने पढ़ा ही नहीं है यार, क्या करें इसका, क्या टिक लगाऊं, तो उसके बारे में ऊपर नीचे के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, इसका क्या लगाया, इसका क्या लगाया, बीच वाला छोड़ दिया, तो उसके बारे में भी हर अगले दो दिन के अंदर, अगले दो दिनों के अंदर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, पर वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं अपलोड करूंगा, और वो वीडियो ऐसी रहेगी कि आप कम स्टडी करके भी जाओगे ना तो एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लोगे, वो यूट्यूब पे नहीं, वो गूगल ड्राइव में दूंगा, गूगल ड्राइव के द्वारा आपको लिंक दूंगा, गूगल ड्राइव में सेव करके फिर उसको देखना। जैसे कि ट्रिक का वीडियो सेंड किया था एमपीएसआई की, एमपीपीएससी की ट्रिक का वीडियो भी मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, आपको पर्सनल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे सब लोग देखते हैं, जो हमारी एकेडमी में नहीं वो भी देखते हैं, इसलिए तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो, हमारे स्टूडेंट का, इसलिए। उसके बाद साथियों अगर देखा जाए विविध के अंतर्गत, जैसे कि चार ऑप्शन होते हैं, भाटी भटिंडा जलप्रपात कुछ प्रपात था एमपी का ये वो है ना, ऐसा कुछ था, तो पहली बार ही देखा था, लग रहा है कहाँ है, जबलपुर, ग्वालियर है ना, भोपाल या फिर और कहाँ ना, बहुत सारे जिले एमपी में इक्का वाले, तो इस चार ऑप्शन में से जो आपको लग रहा है कि हाँ यार इस जिले में नहीं हो सकता उसको हटा दो, फिर मतलब कि साथियों
आप ऊपर से नीचे मत आओ, है ना, ऊपर से नीचे मत आओ, अब नीचे से ऊपर जाओ। मतलब कि कांटे हैं ना, कांटे हैं ना, इनको हटा दो। ये फूल है ना, कांटों में फूल उगते हैं ना, तो क्या है कि कांटों को हटाना पड़ता था, तो फूल तक पहुंच जाता है इंसान। इसी तरह जो रास्ते में जो कांटे और मंजिल तक पहुंचना हो, तो रास्ते के कांटों को हटाने के लिए मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा हमें। काफी वीडियो लंबा बनेगा, बट आई डोंट केयर, मैं किसी तरह की कमेंट नहीं करूंगा, बट आपको देखना पड़ेगा वीडियो, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, अन्यथा कोई बात विविध हो गया। वर्षघाट जयंती बहुत अहम टॉपिक है, हर वर्ष एक क्वेश्चन आता है इससे, वर्षघाट से, जयंती से, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि गुरु नानक जयंती, किस कौन सी जयंती मनाई थी, 308वीं, 309वीं, 311वीं, 318वीं, कोई सी बनाई थी, तो ये जन्म दिवस याद करना पड़ेगा इन लोगों का हमें, जो महान व्यक्ति है, पूर्वज है हमारे, जो भी 50-60 एमपी नाम है, और कल्चर की जो हमने फाइल दी है आपको, भारतीय कला एवं संस्कृति एवं इतिहास, उसमें आपको सब मिल जाएगा, ये वर्षगांठ का ना साथियों, टोटल मिलेगा, ये टोटल मैंने क्या नहीं दिया आपको, सब कुछ दे दिया साथियों, सब कुछ पढ़ना आप लोगों को। ऐसे ठीक साथियों, तो अब हम देखते हैं कि ये हो गया है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा बढ़ना है कि सब कुछ हो गया, अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया 1 अक्टूबर 1958 गठन का बहुत है एमपी का, 1 नवंबर 1958, अरे दोनों में 58 है, लग रहा है यार नवंबर, नवंबर में किसी किसी को क्या होता है, सिर्फ तारीख याद रहती है और वर्ष याद नहीं होता, और किसी किसी को सिर्फ वर्ष याद रहता है और किसी को तारीख याद नहीं होती है, और किसी किसी को पूरा याद होता है, पर फिर सिर्फ फिक्स, हाँ फाइनल 1 नवंबर 1956 या फिर नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं, लगा दिया इनमें से कोई नहीं, अगर वो भी फिर भी ऑप्शन नहीं हो तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा साथियों, जिससे कि पिछले वर्ष क्वेश्चन डिलीट हुए थे, दो हटाया गया, नंबर बढ़ जाते हैं ना, मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से है, बाकी तो सब कुछ नहीं है, हो गया। अब हम आते हैं हमारी बुक्स वगैरह पे, किसी क्या करना है हमको, है ना, बीस मिनट का वीडियो बन चुका है साथियों, ना आप जैसे कि साथियों हम आपको बताते हैं एग्जांपल के रूप में, कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक कांच होता है, या फिर कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को, कौन सा एक कांच का प्रकार है जो कि पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, विच्छेदन करता है। ऑप्शन है सोडा कांच, फिर जीना कांच, फिर क्रुक्स कांच, फिर पायरेक्स कांच। अब फिर सोचोगे यार तो कांच की डिटेल पढ़नी पड़ेगी हमें, ऐसे है ना, तब एक काम करो, इसमें से क्या अपने को ऐसा लग रहा है कि यार जो नहीं होगा, सोडा कांच लग रहा है, सोडा कांच क्या, सोडा कांच कोई पराबैंगनी किरणों को कोशिश नहीं करता है, अवशोषण नहीं करता है, हटा दिया। जीना कांच लग रहा है, जीना कांच का नाम नहीं सुना है तो उसको लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है कि हो सकता है, या फिर लग रहा है कि नहीं होगा ही नहीं, तो इसको हटा दो। फिर बचे दो, दो कांटे हटा दिया, दो कांटों में से एक, एक फूल को चुनना आपने, मतलब मंजिल किया आपने, मंजिल को सिलेक्ट करना आपने, तो एक पायरेक्स है और एक क्रुक्स है। अब सोचो कि यार पायरेक्स पे कंफ्यूजन लग रहा है, तो इस पायरेक्स पे कंफ्यूजन के लिए दो दो तरीके हैं, एक तरीका आगे पीछे वाले क्वेश्चन को देखना, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, और एक तरीका ये है कि क्रुक्स कांच और पायरेक्स कांच किस तरह से क्या होते हैं वो देखते हैं। अब देखो होता क्या, अगर जिन्होंने कांच के बारे में डिटेल पढ़ी होगी वो एक मिनट में, एक सेकंड में कर देगा क्वेश्चन। सेरियम होता ना, सेरियम और दूसरी दुर्लभ मृदा होती है, दूसरी अन्य जो दुर्लभ मृदाएं होती है, तो उन मृदा धातुएं होती है, उनको मिलाकर क्रुक्स कांच बनाया जाता है। सबसे एक क्वेश्चन यही बन गया आपका, और क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण की क्षमता होती है, इसलिए इसी का आंसर क्रुक्स कांच होगा। चूंकि पराबैंगनी किरणें होती है, अगर जो पराबैंगनी किरण होती है वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, भी ध्यान रखना,
और इसीलिए धूप के चश्मों के ग्रुप कांच का उपयोग होता है। धूप के चश्मों में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह के चश्मों में ग्रुप कांच का उपयोग होता है। वीडियो बताया था ना कल, वीडियो बनाया था उसका क्वेश्चन कल बता चुका हूँ इस वीडियो का क्वेश्चन आपको, और अभी टाइपिंग करके भी पीडीएफ बना के दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लिया। ये हमारा साइंस हो गया साथियों, इस तरह के साइंस के क्वेश्चन। अब हम एमपी की बात करते हैं, एमपी की थोड़ा ज्यादा देर का बनाएंगे, मतलब कि एमपी के चार पांच क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एमपी के किस स्थान पर विश्व के सबसे प्राचीन शैवाल के जीवाश्म मिले। मध्य प्रदेश के कहां पर, किस स्थान पर विश्व के सबसे प्राचीन शैवाल के जीवाश्म मिले। ऑप्शन है अमरकंटक, मंडला, धार, चित्रकूट। आप सोचोगे कि यार जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का है यार मंडला धार, तो आप उस फीलिंग से देखोगे कि यार जीवाश्म प्राप्त हुए तो जीवाश्म को वहीं वहीं मिले होंगे। साथियों ऐसा नहीं है कि वहीं मिले होंगे, दूसरे बहुत सारे जिले हैं, वो क्या करेंगे, उनमें कोई उन जिलों की मान्यता नहीं है क्या। आप बड़े बड़े क्वेश्चन एमपी में देखते हो, अरे वो नया राष्ट्रीय उद्यान का खुला है, फिर कोई सा भी पार्क है, फिर कोई सा मॉल, कोई सी भी स्थान का निर्माण हुआ है, तो क्या भोपाल में होता है कि जबलपुर में होता है कि इंदौर में होता है, उज्जैन नहीं है क्या, रतलाम नहीं है, नीमच नहीं है, मंदसौर नहीं है, रायसेन नहीं है, विदिशा नहीं है, ग्वालियर नहीं है क्या, फिर क्यों जाते हो आप उनपे। परफेक्ट आंसर पता हो तो लगाओ, नहीं तो फिर आपका जो मन पड़े वो लगा। अब आंसर क्या है, चित्रकूट सतना में आता है, वहीं जाने का था हमारा, परसों पर गए मजबूरी थी, तो चित्रकूट में जो है मिले हैं इस पास। एमपी का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दे चुके हैं हम, जो फोर्थ आर्ट काफी उसमें मिल जाएगा। एमपी में अरंदम योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो देखो ये तो आपको लगेगा कि यार अरंदम विभाग होता है ना, अरंदम आनंद विभाग भी ना, तो पहला हमारा राज्य है जिसने आनंद विभाग की स्थापना की थी, की है। तो आनंदम योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो पहला ऑप्शन नरोत्तम मिश्र, दूसरा है जयंत मलैया, तीसरा है शिवराज सिंह चौहान, चौथा है यशोधरा राजे सिंधिया। अब इन लोगों के बारे में देखना पड़ेगा कि नरोत्तम मिश्र कौन है, जयंत मलैया कौन है, वित्त मंत्री है ना, तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। तो हम सोचेंगे यार इस आनंदम योजना का संबंध किस तरह से है, फिर क्या करता है ये खुशहाली विभाग है ना आनंदम, यार खुशहाली विभाग के कार्य तो कौन करता है, सीएम करता है, इसी के इसका आंसर भी सीएम होगा, शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान सीएम ऑफ एमपी। ओके, अब जैसे कि फिर क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मध्य प्रदेश पर्यटन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो अब है कि देखो सबसे पहला ऑप्शन है पर्यटन सुविधा, पर्यटन सुविधा, फिर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, फिर सर्वश्रेष्ठ जंगल सफारी, और लास्ट में वनाजीव संघ, वनाजीव सर संघ। अब आपको लगेगा कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सही है यार, लगेगा सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, मिलो जरूरी थोड़ी कि एमपी का ही पर्यटन सबसे सबसे थोड़ी जरूरी, पहले नंबर थोड़ी है पर्यटन एमपी का, बहुत सारे राज्य एमपी को वो थोड़ी है बहुत बड़ा कि सबसे ऊपर ही है पूरे भारत में, बहुत सारे राज्य पड़े आसपास है ना। फिर सोचोगे आप, सोचोगे पर्यटन सुविधा, अब डाउट जाएगा दिमाग में, हाँ यार पर्यटन सुविधा काफी कर दी हमारे मामा जी ने, पर्यटन सुविधा पुरस्कार मिला होगा यार, है ना, यूं लगोगे आप मैंने यार गलत साइड में रख दो इसको, इस तरह में एक कांटा हट गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, दूसरा कांटा को साइड में रखा, फिर सर्वश्रेष्ठ सिंगल सफारी, हाँ यार सिंगल सफारी भी मिल सकता है। तो आपको लगेगा कि यार ये मिलेगा कौन सा पर्यटन, पर्यटन सुविधा को नहीं लेकर सर्वश्रेष्ठ जंगल सफारी मिलेगा ये लगता है, तो इसको हाँ यार, और आप लगा के आ जाओगे नहीं साथी ऐसा नहीं करना है, इसको साइड में रखो। फिर बचा है वनाजीव सरसंग, तो पर्यटन क्या होता है साथियों, जंगल में रहता है, जंगल पर्यटन रहते हैं, बहुत से पर्यटन स्थल रहते हैं जंगल से घिरे रहते हैं, जंगल किनारे रहते हैं, नदियों किनारे रहते हैं, भेड़ाघाट है तो ये समुद्र किनारे रहते हैं, अपने एमपी में समुद्र है नहीं, दूसरे राज्यों की बात कर रहा हूँ, समुद्र द्वारका है समुद्र में, तो फिर वो भी एक पर्यटन स्थल हो गया, प्राकृतिक दर्शन हो गया, दर्शन स्थल हो गया, वो भी एक द्वारका दिश, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनाजीव सरसंग, आया समझ में। और 5 मिनट और नहीं 25 मिनट है, आधे घंटे का बनाऊंगा। अब देखो साथियों मध्य प्रदेश में सड़क
सड़क रोड रोडों के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? आप एक बात बताओ, भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? आपको लगेगा ऑप्शन है विश्व बैंक, यूरोपीय संघ होता है, एशियन विकास बैंक और ब्रिक्स बैंक। आपको लगेगा कि वर्ल्ड बैंक के साथ ही किया होगा, पहला ऑप्शन ही लगेगा कि वर्ल्ड बैंक के साथ ही किया होगा। पर साथ ही ऐसा नहीं होता है कि वर्ल्ड बैंक ही सब कुछ करती है ना, उससे नीचे भी बैंक है, आसपास की बहुत सारी बैंक है। एशियन विकास बैंक, हाँ यार, विकास है, सुदृढ़ीकरण मतलब सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए विकास किया जा रहा है, तो विकास एशियन विकास बैंक हो गया। फिर आपको लगेगा मुझे भी लगता है, इसलिए भी लगेगा आपको, मैं नहीं है, आपको लगेगा कि ये होगा, साइड में रखो इसको अभी नहीं करना। फिर लगेगा कि ब्रिक्स बैंक क्यों होगी यार, अब लगेगा मन में सोचेगा यार ब्रिक्स बैंक क्यों होगी, वो समझौता करेगी, ब्रिक्स तो अलग होता है। और साथ ही वही आंसर है इसका, और उसका हटा के आ जाओगे और गलत करके आ जाओगे, यही आंसर है इसका। फिर चौथा यूरोपीय संघ, अलग ही हो गया है, बिल्कुल ही संघ तो अलग ही हो गया ना, यूरोपीय संघ के साथ थोड़ी समझौता करते हैं सड़कों के, तो बैंक के साथ करते हैं, पैसा आता है, पैसा कहां से मिलता है, बैंक से मिलता है ना, ठीक। अब जैसे कि एक इजी क्वेश्चन है याद करना, जैसा कालिदास सम्मान 2015-16 किसे दिया गया, तो राज बिसारिया को दिया गया, तो ये तो याद करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है ना, उससे कुछ नहीं कर सकते हो, तो माइंड फिट करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शराब की सर्वाधिक खपत वाला जिला कौन सा? आप देखिए साथियों, कि खपत मतलब कि शराब बिक्री, खपत बोलते ना, खपत नहीं है, यहाँ खपत कम है, वहां खपत कम है, वहां खपत अधिक है, जहां खपत है वहां वो नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से खपत, उपयोग होना, प्रयोग होना, बिकना है ना खपत। सबसे अधिक खपत वाला, सर्वाधिक खपत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। आप सोचोगे कि भोपाल राजधानी है, वहां थोड़ी इतना सब कुछ हो सकता, आप सोचोगे यार बालाघाट भी छोटा जिला को बड़ा जिला है नहीं, दोनों घटा दो, लग रहा है तो ग्वालियर या फिर इंदौर। तो साथियों आप पब्लिक देखो, पब्लिक कहाँ जाता इंदौर में, और जो नशेड़ी लोग रहते हैं, और क्योंकि आवारा गिरदी लोग रहते हैं, गुंडा गिरदी होती है, लड़कियां रहती है, लड़के रहते हैं, है ना, कॉलेजों में सब कुछ चलता रहता है, फोकट के पैसे अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करते हैं लोग, दुनिया इस तरह के जो काम सारे इंदौर में होते हैं, तो वही इंदौर शहर बदनाम भी एक तरह से और नाम भी है, दोनों भी है, ठीक है, चलने तो क्या दिक्कत है ना। एक बार सफाई अभियान भी चल गया है वहां पर पूरा, हमने एक कागज फेंक दिया था अभी थोड़े दिन पहले, मैं ध्यान नहीं रहा था, तो कागज में एक लड़का आया, भाई साहब क्या कर रहे हो, मैंने सॉरी भाई, कागज को उठा के डस्टबिन में रखा, मूंग की भजिया खा रहा था मैं उस टाइम। तो साथी ऐसा होता है, इंदौर है जहां सबसे अधिक खपत होती है, ठीक। झाबुआ ताप विद्युत परियोजना कहां स्थित है? यदि आपको इसमें झाबुआ जिले का ऑप्शन मिल जाए तो आप झाबुआ लगा के आ जाओगे, ऐसा नहीं है ना साथियों, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन है मंडला, सिवनी, अलीराजपुर, सिंगरौली। अब आपको लग रहा है कि यार झाबुआ अलीराजपुर है ना, ऐसा लगेगा, तो आप अलीराजपुर लगा के आओगे, पर गलत है, सिंगरौली ताप विद्युत, बिल्कुल सिंगरौली हो सकता है, बिल्कुल लगा के लगेगा आपको। सिवनी, यार सिवनी क्या है, सिवनी तो छोटा जिला है, कहाँ नाम नहीं है, लाइट में नहीं है, पर साथियों यही आंसर है इसका, है ना, ठीक साथियों। एमपी हो गया, अब जैसे कि जो आउट क्वेश्चन है, जैसे कि मेघावती सुकर्णा किस देश की उपराष्ट्रपति थी, ये आउट क्वेश्चन बोलते हैं ना, बहुत पुराना। दलाई लामा का वर्तमान निवास कहां पर है, दलाई लामा का, ये भी आउट क्वेश्चन हो गया। तस्लीम नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या था, जो विवाद के, उस पर विवाद के भी पढ़ना पड़ेंगे, मैं दूंगा अभी क्वेश्चन आपको, बेफिक्र रहो, मैं दो दिन में इतनी मेहनत कर लेता हूं कि पूरा महीने की कर लेता हूं, दो दिन में सलंग लग जाता हूं तो लग जाता हूं, अभी कल भी बिजी था, आज भी बिजी हूं, पर फिर भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक। और साथियों बता दिया आप लोगों को, सब कुछ बता दिया, और भी बता दूंगा अगले वीडियो में, काफी लॉन्ग बन चुका है, इसलिए ना मेरा मन नहीं हो रहा ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का, देख लीजिए एक बार फिर से, जो भी है आपको बता दिया है हमने, रिपीट रिवाइज कर लीजिए वीडियो को, रिवर्स कर लीजिए, शुरू से देख लीजिए एक बार नहीं दो बार देखिए, है ना। जय हिंद जय भारत साथियों, इसी के साथ आपको एग्जाम की बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक व्यू करें, और सभी दूर फैलाएं इस वीडियो, सभी दूर शेयर करें, मैं शेयर करने कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें,
ताकि हमारा दिल खुश हो। हमने बहुत से प्लान किए थे, है ना, प्लान करने के बाद सोचा समझा रात को और शायरी सुनाई थी आपको हमने। फिर ध्यान रखना कि गलियों से हम गुजरा नहीं करते, पहाड़ों पर चलना हमारा शौक है। दर बदर ठुकराते फिरते हैं उन गलियों से, दर बदर ठुकराते फिरते हैं इन गलियों से, हौसला बुलंद रखोगे तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी। और यही है, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, डरो मत। हमारे साथियों एसपी एकेडमी फॉर द प्लेयर, यूर कंफ्यूजन आपको हमने बताया, कैसे कंफ्यूजन दूर करना है। कॉन्टेक्ट नंबर 777-380-8990-4। और जो अदर स्टूडेंट जो हमारे एकेडमी में, अन्य स्टूडेंट जो देख रहे हैं वीडियो को, अगर उनको एकेडमी में ज्वाइन होना है तो 777-380-8990-4 पर व्हाट्सएप कॉल करें, मैसेज करें या फिर सिंपल कॉल भी कर सकते हैं। हमारा जो सिम है वो आइडिया का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।